ओके, टुडेस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अ न्यू चैप्टर. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर? तो मैंने सिर्फ दो लाइन लिखी, पूरी दो लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया. इन चैप्टर नंबर 4, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. क्लियर कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा था कि भाई करंट होता है जब किसी वायर में से जब करंट पास होता है तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, पढ़ा था. लेकिन क्या उससे रिवर्स पॉसिबल है? मतलब कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस करंट प्रोडक्शन ऑफ करंट इज पॉसिबल? तो यहां पे हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे. मतलब पूरे चैप्टर में हमें ये करना है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट फाइंड करना है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करना है. तो एक काम करते, सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं, उसका बेसिक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है और किस बेस पे हमें बात करनी है. ये तो हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स. तो बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा था, तो बस ये इसी का एक सेकंड वर्जन है. मतलब कि यहां पे कुछ नया होगा? बिल्कुल नहीं, सब बोरिंग वही का वही. मतलब कि मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे रिप्लेस करके मैग्नेटिक फील्ड चिप करना है और कुछ नहीं करना है. तो यहां पे मुझे करना है कि भी फ्लक्स, फ्लक्स इज अ व्हाट? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू सरफेस विथ विथ इट्स एरिया. इट्स एरिया, तो सिंपल है, प्रोडक्ट है, तो जितनी सरफेस ज्यादा होगी उतना फ्लक्स ज्यादा होगा. याद करो ये फॉर्मूला, फाइ इज इक्वल्स टू ई इन टू ए, वेर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इट्स एरिया. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, जितना एरिया बड़ा उतना फ्लक्स बड़ा, कॉमन. चलो तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सरफेस, ठीक है, आप कोई भी सरफेस लो, आपको उसका जो एरिया है वो उसके परपेंडिकुलर ही रखना है, बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. Now, अब मैं इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड पास करता हूं बी. ओके, तो इसमें से मुझे ध्यान क्या रखना है कि हियर एरिया एंड फील्ड आर
in same direction. So by magnitude, phi is equals to b into a. Phi is equals to b into a. तो ये हो गया हमारा फ्लक्स. ओके, थोड़ा और जाते हैं आगे. सपोज आपका एरिया वही का वही सेम टू सेम, बी. अब ध्यान से देखो, पहले जो फील्ड लाइंस थी वो एक दो तीन चार फील्ड लाइन पास होती थी, अभी एक दो तीन चार पांच और छह फील्ड लाइन पास हो रही है. मतलब कि आपका जो फील्ड का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, एरिया लाइक दिस. ओके, सो हियर मोर फील्ड अदरवाइज फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू सेम सर्फेस, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स is increased. Magnetic flux जो होगा वो increase होगा due to this. Okay? तो ये तो एकदम common बात थी जो already हमने पढ़ी. Let's take some different thing. कि अगर आपका surface ऐसे है और ऐसे प्ले निकल रही है, वो common बात है. Let's take कि आपका जो सरफेस है वो थोड़ा सा बैंड है लाइक दिस, तो क्या होगा? तो ऐसा सरफेस क्यों लिया? ये कंसेप्ट समझने में आपको इजी रहेगा, क्योंकि यहां पे जो प्रॉब्लम है वो है कि प्लेन सरफेस को बैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, समझने में डिफिकल्ट रहता है. इसीलिए मैंने यहां पे एक सर्कुलर शेप लिया कि भाई इनिशियल लेवल पे कुछ ऐसा था लाइक दिस, ठीक है, जो मैंने बनाया था. अभी वो बैंड हो गया, मतलब कि नीचे की ओर है, तो ये उसका एरिया है. पहले जब वो ऐसे था वर्टिकल, तो फील्ड एरिया जो था वो हॉरिजॉन्टल था. अब वो थोड़ा बैंड हो गया, तो उसके साथ एरिया भी बैंड होगा, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, यहां पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, उसके कारण ये जो एरिया है उस एरिया के दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज ए कॉस थीटा, अनदर इज ए साइन थीटा. एक जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा, दूसरा जो होगा वो ए साइन थीटा होगा, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो हमने क्या बात की थी कि भाई जो एरिया और वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. तो हियर वी विल यूज ए कॉस थीटा विथ बी, वेक्टर ए has two components. One is a cos theta, one is a sin theta. A cos theta in direction of b,
देयरफॉर जो फ्लक्स होगा वो बी ए की जगह पे आपको ए कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा, और आपको पता है कि बी ए कॉस थीटा का मतलब होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, इट इज डॉट प्रोडक्ट, इट इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, सपोज अगर हमें पता है कि भाई फर्स्ट केस कि थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, दैट मींस बी और जो एरिया है वो पैरेलल है लाइक दिस। इसका ये मतलब हुआ कि जो बी है वो परपेंडिकुलर है सरफेस से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस कंडीशन के अंदर phi इज इक्वल्स टू बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब बी ए, और यहां पे जो मुझे फ्लक्स मिलने वाला है उसे हम बोलेंगे फ्लक्स मैक्सिमम, phi मैक्सिमम। ओके, अगर सपोज ये कंडीशन आती है कि आपका जो प्लेन है ठीक है ऐसे हो जाता है, ये आपका फील्ड है, सॉरी ये आपका फील्ड है, कैसे हुआ? तो पहले ऐसे था, फिर ये किया, अब ये कर दिया मैंने नीचे की ओर, तो एरिया जो है वो नीचे की ओर चला जाता है, जो 90 डिग्री एंगल शो करता है, कितना 90 डिग्री एंगल शो करता है। तो ये हो गया आपका पी, थीटा इज इक्वल्स टू 90। ये थीटा 90 कब होता है वो ध्यान से देखो, जब आपका बी और ए परपेंडिकुलर होता है या तो बी इज पैरेलल टू सरफेस हो जाए तो, और इस कंडीशन में फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 90, कॉस 90 इट्स जीरो, कॉस 90 क्या होता है जीरो होता है। तो अभी ध्यान से देखो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कि भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे था और मेरा एरिया सॉरी सरफेस ऐसे था, फिर मेरा सरफेस बेंड हुआ, अभी मेरा सरफेस ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस में तो कुछ पास नहीं हो रहा है, ऐसे ऊपर से निकली जा रही है, ऐसे नीचे से निकली जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसीलिए यहां पे इस सरफेस में से सिंगल लाइन भी पास नहीं होगी, दैट्स व्हाई द फ्लक्स इज जीरो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट, क्या कहता है यूनिट? तो फ्लक्स इज अ बी इंटू ए, बी मतलब टेस्ला, ए इंटू मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ फ्लक्स, और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू वेबर, इक्विवेलेंट टू वेबर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो है एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। सर ये कैसे आया? वेट करो, इस लेक्चर के एंड होते होते ये डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर देंगे, लेकिन अभी लिख के रखो क्योंकि वो वेबर के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे, तो ये लिख लो। इसके बाद हम लोग जाएंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, क्लियर? देखो लेट्स स्टार्ट फैराडेज एक्सपेरिमेंट। उससे पहले हम लोग उस फैराडे एक्सपेरिमेंट का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक सॉफ्ट इंसुलेटिंग ट्यूब लेंगे, सॉफ्ट इंसुलेटिंग ट्यूब जिसका कोई काम नहीं हो, इसीलिए तो उसको इंसुलेटिंग लिया। ये अंदर का ड्रॉ करना मतलब कि डांसिंग हो जाता है, या हो गया। एक साइड पे हम लोग कॉइल्स लगाएंगे,
like this. ये हो गई बैटरी। चलो बैटरी नहीं लिखते हैं, बी लिखते हैं। यहां पे आपको बताई गई है कि ये कॉइल है, ठीक है। उस कॉइल की दूसरी साइड कौन सी कॉइल है पहले वो देख लो। यहां पे जो वो है इंसुलेटिंग रिंग ले लो, इंसुलेटिंग रिंग। दूसरी साइड पे एक गैलोमीटर लगाओ, क्लियर। इतना अरेंजमेंट कर दिया मैंने। करना क्या है, जब इस की को आप प्लेस करोगे तो इसमें से करंट पास होगा इस डायरेक्शन में, कॉइल में से नीचे इस डायरेक्शन में से वापस अंदर। तो जब करंट पास होगा तो आपको पता है कि कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी लाइक दिस। चलो दिखा देते हैं, एक ही साइड में दिखा रहा हूं ताकि बहुत ही कंफ्यूजन ना हो। ऐसे तो ये जो दूसरी कॉइल है ये पहली वाली कॉइल के फील्ड के अंदर आ गई, ध्यान दे। सेकेंड कॉइल इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल नंबर वन, ठीक है। नाम देते हैं कॉइल वन, यहां नाम देते हैं कॉइल टू, तो कॉमन है। चलो अभी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पूरा सेटअप हो चुका है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो वी एक्सपेक्ट दैट जो ये गैलोनोमीटर अभी 0-0 पे है वो डिफ्लेक्शन दिख रहा है। थोड़ा टाइम तक वेट किया, वेट किया, वेट किया, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो यार एक्सपेरिमेंट तो पूरा फेल हो गया। कि हमारा काम था कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड हो उसके कारण दूसरी कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो, आगे बताया ना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो उससे उल्टा करो मैग्नेटिक फील्ड से करंट। तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, इस की को ना क्लोज किया। जैसे मैंने की को क्लोज किया तो ये जो गैलोनोमीटर था थोड़ा सेंस हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसने कोई रीडिंग दिखाया, मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ सेंस हुआ। अब एग्जैक्टली गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, तो वर्क्स ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज टू डिटेक्ट करंट। मतलब कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ मतलब उसने करंट को डिटेक्ट किया, जबकि ये जो है वो पूरी इंसुलेटिंग रिंग है तो मतलब ये करंट तो नहीं जाने वाला, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो वापस से जीरो हो गया। फिर थोड़ी देर रहा, देखिए कुछ नहीं। फिर हमने क्या किया, इस की को ओपन कर दिया। जैसे ओपन किया वापस से रिफ्लेक्शन और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो जीरो हो गया। फिर ये तो मेरे लिए खिलौना हो गया कि जैसे मैंने की को प्रेस किया डिफ्लेक्शन, ओपन किया डिफ्लेक्शन, प्रेस किया डिफ्लेक्शन, ओपन किया डिफ्लेक्शन, मतलब कि प्रेस ओपन, प्रेस ओपन, प्रेस ओपन, प्रेस ओपन, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, तो कंटिन्यूअस प्रेसिंग 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 पे मुझे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो कि बात करते हैं कि कॉइल वन, ठीक है, जब यहां पे की ओपन होती है, की बात करते
तो कॉइल वन के अंदर जो करंट होता है वो जीरो होता है। कॉइल वन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी जीरो होता है, जिसके कारण कॉइल टू के अंदर जो फ्लक्स होता है वो भी जीरो होता है। क्लियर? जैसे ही मैंने क्लोज की तो जो करंट था वो मैक्सिमम बन जाता है, जो फील्ड था वो भी मैक्सिमम बन जाता है, जिसके कारण जो फ्लक्स है वो भी मैक्सिमम बन जाते हैं। ओपन से क्लोज हुआ तो ये हुआ। अब वापस से मैंने क्या कर दिया, ओपन, और जैसे मैंने ओपन कर दिया ये जो मैक्सिमम था वो जीरो हो गया। जब मैं ओपन क्लोज का गेम खेलता हूं तभी ये रिफ्लेक्शन दिखाता है, और ओपन क्लोज के गेम में मुझे सिर्फ एक बात पता चलती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो यहां पे चेंज हो रहे हैं, मतलब कि जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से वापस जीरो, मतलब कि यहां पे चेंजेस हो रहे हैं। और जब चेंजेस होते हैं तभी मुझे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब चेंज होता है तभी डिफ्लेक्शन दिखाता है। ध्यान से सुनना, यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं, यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं, तो इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जीरो टू मैक्सिमम की गेम हो रही है। करंट जो है वो जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, मतलब कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि यहां पे चेंज मिल रहा है जो डिफ्लेक्शन करवा रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहां पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस ईएमएफ is not due to magnetic field but it is due to changing मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप यहां पे फील्ड की जगह पे अगर आपको फ्लक्स का कंसेप्ट बोलना है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं, फ्लक्स भी आप बोल सकते हैं। तो याद रखना, दिस इज नॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज जो है वो है रिस्पॉन्सिबल इंड्यूस करंट का, इंड्यूस ईएमएफ का। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहां पे मैंने तो की को चालू बन किया तो यहां पे मुझे ये पॉसिबिलिटीज मिली, ठीक है। लेट्स गो टू द अनदर एक्सपेरिमेंट। सपोज ये कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल के नीचे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है। उस कॉइल के किसी एक डिस्टेंस पे मैंने एक बार मैग्नेट रखा है,
एस के अंदर जाने वाली और लाइक दिस। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो बार मैग्नेट है वो मोशन में है, किसी वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो होगा क्या? तो वो मैग्नेट बहुत ही नजदीक आ जाता है, लाइक दिस। तो अब ध्यान से देखो, पहले कितनी लाइन पास होती थी, एक दो और तीन, अब पांचों की पांचों लाइन। मतलब कि जब ये नजदीक आता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो लाइन से वो डेंस हो जाती है, और यहां पे जो लाइन से वो रेयर हो रही है, मतलब कि यहां पे लाइन बहुत ही स्पेसियस है, और यहां पे जो लाइन वो डेंस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहां से जब ये कंडीशन पे आएगा तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक से ट्रैवल करके स्ट्रॉन्ग पे आएगा, और जब वापस जाएगा तो यही चीज ऐसे जाएगी। तो ये कब होगा? तो ये होगा कि मैग्नेट जब टू वर्ड कॉइल मूव करेगा, और ऊपर वाली कंडीशन कब होगी? जब अवे फ्रॉम कॉइल करेगा, मतलब बैक जाएगा। मतलब कि बैक, कैसे बैक? जैसे नजदीक आया दूर गया, नजदीक आया दूर गया, नजदीक आया दूर गया, तब जाके आपको ये वेरिएशन मिलेगा। तो यहां पे आपका जो फील्ड है वो वीक टू स्ट्रॉन्ग टू वीक टू स्ट्रॉन्ग टू वीक टू स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ये फिक्स वैल्यू पे नहीं रहता है, कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। तो यहां पे ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड इन दिस कॉइल, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट विल बी इंड्यूस्ड एंड गैलोमीटर सेंसिंग कंटिन्यूअसली। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में आपको मिलेंगे कि भाई चेंज इन बी, आपको बी को चेंज करना है, ठीक है। एक और फैक्टर है कि अगर आप इस कॉइल का एरिया छोटा बड़ा करोगे तो भी चेंज इन एरिया, ओके। अभी कॉइल को छोटा बड़ा करना तो इट्स नॉर्मल बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बी जो है, बी को अगर आप चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे? तो बी को चेंज करने के लिए आपको जो सोर्स की वैल्यू है उसे चेंज करना पड़ेगा। मतलब
मतलब ये जो मैग्नेट है उसे नजदीक लाओ तो बी चेंज होगा, करंट को बढ़ाओ किसी कॉइल में तो चेंज होगा। तो बी को चेंज करने के लिए मुझे सोर्स चेंज करना पड़ेगा, सोर्स बड़ा सा मैग्नेट ले लू या तो फिर बड़ा करंट ले लू। लेकिन याद रख, अगर मैंने बड़ा मैग्नेट लिया इसी जगह पे और उसे यहीं पे रखा है उसको, तो कुछ नहीं होने वाला, तो जीरो है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स करंट जनरेट करने के लिए कैपेबल नहीं है। करंट कब जनरेट होता है? जब वो वेरिएंट में आते हैं, चेंज होते हैं तब होता है, तो चेंज ही नहीं किया। उसके अलावा वो आगे जब कॉइल देखी, उसे ऐसे अगर रोटेशन करवाओगे तो पहले एंगल था वो जीरो था, फिर कुछ बना, फिर 90 हुआ, फिर 180 हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा। कंटिन्यूस रोटेशन से भी आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है, बिकॉज द फ्लक्स इक्वेशन इज फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, एंड थीटा चेंज मतलब कि फ्लक्स चेंज। ठीक है, लिखो आप कि जो चेंज होता है वो चेंज इन थीटा भी पॉसिबल। तो चेंज इन थीटा कब मिलता है? तो मिलता है वो रोटेशन से मिलता है। कब मिलता है? रोटेशन से मिलता है। क्लियर? ओके, अब आपको कुछ चीजें और समझनी है कि भाई एग्जैक्टली ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण करंट पे इफेक्ट आती है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन करंट का मतलब होता है कि एक तो इसकी जो स्पीड है उससे आप बढ़ाओ, ऐसे मूव करो उसके बाद फास्ट फास्ट मूव करो, तो स्पीड ऑफ मोशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मोशन भी कैसी? रिलेटिव मोशन। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? सोचो कि ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट कॉइल के नजदीक आता है, दूर जाता है, नजदीक आता है, दूर जाता है, तो फ्लक्स चेंज होगा। रिवर्स सोचो, कॉइल नजदीक जाती है दूर आती है, नजदीक जाती है दूर आती है, चेंज होगा। ओके, बट अगर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस चेंज हुआ ही नहीं। अब उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, दैट मींस उन दोनों के बीच का फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो डेफिनेट है कि कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, गैलवेनिक डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो एक स्पीड। दूसरी, यहां पे आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ध्यान रखनी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये ऐसे है तो फील्ड लाइन बाहर आ रही है, अगर ये उल्टा हो जाएगा मैग्नेट और फिर से आप नजदीक दूर करोगे तो करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। और दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि जब वो नजदीक आएगा तब करंट अलग डायरेक्शन देगा, जब वो दूर जाएगा तब करंट अलग डायरेक्शन देगा। तो यहां पर जो पूरी गेम है वो है इसके मोशन पे, और वो भी कौन सा? रिलेटिव मोशन। उसके ऊपर आपको यहां पे एक बात याद रखनी है कि भाई जो कॉइल से उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे भी ये डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा फ्लक्स की कैपेसिटी, और जितने कम टर्न्स उतनी फ्लक्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट, और इसे आपको ध्यान से समझना है। बुक में और दो दिन दिए हैं, सेम कंसेप्ट है, मैग्नेट की जगह पे दूसरी कॉइल डाला है। मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए? सोर्स किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। आप कॉइल लो, आप मैग्नेट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो कॉइल को कोई फर्क पड़ता है। इसको क्या चाहिए? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड।
अब वो किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इतना लिखो, उसके बाद जाते हैं फैराडेज लॉ में। लेट्स गो टू फैराडेज लॉ, सिंपल है। अभी आगे जो बात हुई कि भाई स्पीड, स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो स्पीड से क्या होता है? तो यहां पे वेलोसिटी मुझे डायरेक्टली नहीं चाहिए, बट वेलोसिटी से जो चेंज होता है, अगर वेलोसिटी फास्ट है तो चेंज फास्ट होगा, वेलोसिटी अगर स्लो है तो चेंज स्लो होगा। तो यहां पे पूरा जो कंसेप्ट है वो कितना फास्ट होता है कितना स्लो होता है, मतलब कितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो फैराडेज लॉ पहले देख लेते हैं, फैराडे ने क्या बोला है कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस होगा, कितना होगा, जितना वहां पे रेट ऑफ चेंज मिलेगा। पर ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव आप कहां से लेके आए? नेगेटिव मतलब प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ, जो आपका लेंस लॉ है उसका प्रेजेंस। ये लेंस लॉ कब आया? आया नहीं, आने वाला है। कब? नेक्स्ट लेक्चर में लेंस लॉ देखेंगे। तो ये जो लेंस लॉ है वो नेगेटिव साइन के लिए है। चल आगे जाते हैं। सपोज आपने कोई कॉइल ली, ठीक है, उस कॉइल के अंदर सपोज T1 टाइम पे सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स Φ1 एट टाइम T1 ड्यू टू द सर्कमटेंसेस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज टू Φ2 इन टाइम T2। ओके, सो ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ इज माइनस चेंज इन फ्लक्स Φ2 माइनस Φ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। चेंज मतलब के डिफरेंस, माइनस इट्स डेल्टा Φ बाय डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर ये चेंज बहुत ही फास्ट हो रहा है, वेरी फास्ट मीन्स इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब कि जो चेंज है इज वेरी फास्ट क्विक। ओके, तो
हमने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लिमिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लिमिट यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और जब लिमिट लेते हैं तो ये जो एप्सिलॉन है एवरेज की सिंबल वाला, वो सिर्फ ईएमएफ हो जाएगा, और जो डेल्टा है वो डी बन जाता है, डी फाई बाई डी टी। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हियर इफ कॉइल हैज एन टर्न्स एंड ईच टर्न हैज फ्लक्स फाइन, देयरफॉर टोटल फ्लक्स is n phi, total flux is n phi। okay, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो आपने phi यूज किया है उसे आप माइनस n करोगे डेल्टा phi by डेल्टा t, इसे आप करोगे माइनस n d phi by dt। तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जो मैंने आगे बात की थी कि फ्लक्स का डायमेंशन मुझे लाना है तो वो देखते हैं कि हियर फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इनटू एवरेज ईएमएफ, इसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। तो डेल्टा फाई का यूनिट होता है आपको पता है वेबर, क्या होता है वेबर, और ई एम एफ का यूनिट होता है वोल्ट, और इसका होता है सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। एक और सेकेंड प्लस वन होगा तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस टू, तो ये बनेगा एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये मेरा वेबर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी आगे जाते हैं कि ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, तो ये एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इफ फ्लक्स चेंज इन कॉइल according to equation phi equals to t cube minus 3t square plus t plus 1. Okay, now find EMF at 2 second jab aap EMF mujhe find karke do। ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये इसका आंसर नीचे कि फ्लक्स फाई जो है वो है टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये आपका फ्लक्स है। तो भी आपको करना क्या है कि मुझे एट टू सेकंड बोला है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस बोला है, तो ईएमएफ के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एट बोला है दैट मींस इंस्टेंटेनियस बोला है, और ईएमएफ के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डी फाई बाई डी टी, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री टी स्क्वायर
टी स्क्वायर का 2t प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 1 सॉरी। ठीक है, तो अभी कब मांगा है उन्होंने, अगर t इक्वल्स टू 2 सेकंड तो t इक्वल्स टू 2 का यूज करो, सो इट्स d5 बाय dt इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1 ये माइनस 2 स्क्वायर 4 3 जर 12 6 2 जर 12 प्लस 1 सो d5 बाय dt इट इज 1। अब आप ऑप्शन में चेक करो, क्या ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू दी है, इफ यस देन माइनस d5 बाय dt करके आप माइनस 1 यूज करोगे, इफ नॉट देन आप मैग्नीट्यूड ऑफ d5 बाय dt करोगे और इसका भी मैग्नीट्यूड करोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ emf इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि यहां पे ऑप्शंस में क्या है उस हिसाब से आप सिलेक्शन करो। क्लियर, अगर ऑप्शन में नेगेटिव है तो याद रखना पॉजिटिव भी होगा, लेकिन आपको बाय लॉ नेगेटिव भेजाना है, अगर नेगेटिव नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, टी इक्वल्स टू 4 सेकंड है, मैं आपको सेल्फ दे रहा हूं टी इक्वल्स टू 4 सेकंड पे आप 2 सेकंड की जगह पे 4 अप्लाई करो और ईएमएफ फाइंड करो। ठीक है, तो ये है आज का आपका पूरा लेक्चर फैराडेस लॉ पे, और कुछ बेसिक कंसेप्ट थे कि भी यहां पे इतना सारा तामझाम करना था, ठीक है, तो वो क्यों हमने किया, क्यों चेंज इन फील्ड, कैसे ईएमएफ क्लियर होता है, ये सब बातें थी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो समझो, फैराडेस लॉ पे एक्सपेरिमेंटल बहुत सारे आते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, and don't forget to comment on my video. Till then, goodbye.